हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी में जो काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है उसमें कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि कहां पर इसकी एडमिशन लिंक है या जो चॉइस फिलिंग आपको करनी है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है, वो आप किस तरीके से करेंगे। तो मैं आपको भी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर, आईपी की वेबसाइट पर लेकर के आया हूँ। और देखिए यहाँ पर कई सारे टैब हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला टैब है एडमिशन 2021-22। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख रहे हैं एडमिशन ब्रोशर, यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है, एडमिशन नोटिस, ठीक है। इसके अलावा देखिए फॉर जनरल प्रोग्राम, फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, है ना, और एडमिशन पोर्टल लिंक यहाँ पर ये दी गई है। यहाँ पर आप सीधे iq.admission.nic.in पर भी जा सकते हैं। तो अब जैसे आपने क्लिक किया इस पर एडमिशन पोर्टल लिंक पर, तो ये देखिएगा एडमिशन पोर्टल लिंक हमारे सामने ओपन हो गई। अब इसमें भी कई सारे टैब आप देखेंगे, फॉर्म, कॉन्टेक्ट अस, कट ऑफ यानी प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है और इस साल का जो कट ऑफ है वो आप देख रहे हैं, देखिए न्यू लिखा हुआ आ रहा है, शेड्यूल और नोटिस वगैरह ये यहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी नोटिस है वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए थोड़ा सा नीचे इसके स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर एडमिशन ब्रोशर आपको दिया गया है, जहाँ से आप एडमिशन का ब्रोशर जो है पूरा इन्होंने दिया हुआ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काउंसलिंग के सारे शेड्यूल्स देखो, MC ये शेड्यूल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से ये इन्होंने शेड्यूल दिया था, और मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बाकायदा पूरा शेड्यूल वगैरह सारा आपसे डिस्कस किया था। मैं प्रीवियस वीडियो की लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको दे दूंगा, साथ ही साथ में जो मैंने आईपी से रिलेटेड अभी आपको जानकारी दी है पूरा एडमिशन ब्रोशर वगैरह वो सारे वीडियो की जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखिए जो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फिल करनी है वो कैसे करनी है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये 7 तारीख को जो है स्टार्टिंग डेट है, इसके अलावा 7 तारीख को स्टार्टिंग डेट है, इसके अलावा जो है आप देखिएगा क्लोजिंग डेट जो है वो 12 तारीख तक है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ DGSIPU एंड पेड रिक्विशाइड फी ऑफ 1200, जिन लोगों ने 1200 रुपये पहले से पे कर दिए हैं, वो इसके बाद में जो एक्टिविटी होने वाली, जैसे सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस 1000 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आपको मैं भी आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जब आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो वहीं से ये ऑप्शन आपको मिलेगा, पूरा एप्लीकेशन फी आपको, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ आप देख सकते हैं। 7 सितंबर से 12 सितंबर तक ये प्रोसेस चलेगी। मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने नहीं किया है जल्द से जल्द इस बात इसको अप्लाई करते हैं। अब लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि NIMCET के राउंड वन की काउंसलिंग का रिजल्ट भी आ गया है और उसकी वेरिफिकेशन भी हो गई है, तो आप क्लियर होगा कि राउंड वन में आप कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अगर बहुत रैंक पीछे है तो इसको ना छोड़ें, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक और यहाँ पर इनकी स्कीम थी, ठीक है, वो स्कीम ये देखिए कि कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया था पहले, रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, वो लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यानी उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, जो इसको अभी भी आप अचीव कर सकते हैं। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईपीयू के लिए कोई एप्लीकेशन पहले नहीं किया था और जिन लोगों का NIMCET में उतना अच्छा स्कोर नहीं आया है, किसी कारण से रैंक पीछे आई है, वो दोबारा से यहाँ पर इनको एक मौका दिया गया है आईपीयू में कि वो सबसे पहले सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे द ऑनलाइन एप्लीकेशन फी ऑफ 1200, जो कि नॉन रिफंडेबल, अलॉन्ग विद द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ 1000 रुपीज़, यानी 1200 रुपये भी पे कर सकते हैं, साथ ही साथ 1000 रुपये और पे करने के साथ साथ वो इस काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। और ये प्रक्रिया 7 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में ही कर सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग इन्होंने दिए हुए हैं, अभी ये प्रोसेस ऑनगोइंग है, आप में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको लिंक नहीं समझ में आ रही है या ऐसी कई सारी
तो ये सारी जो प्रोसेस है मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताई है, आप डिटेल में उसकी पूरी प्रोसेस को देख सकते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये जो है कहाँ पर हम लोग गए थे, ये है। इसके अलावा जो है ये तो हमारा पूरा शेड्यूल था काउंसलिंग का, राइट। अब देखिएगा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो आपको यहाँ पर ये लिंक देखने को मिलेगी, जबकि थोड़ा सा इसको यहाँ ले जाएं, देखिए यहाँ पर मैं गया, ये देखिए ये गया मैं, और यहाँ पर मैं बैक करता हूँ इसको, ठीक है। ये हमारे पास में जो लिंक है वो ये है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर काउंसलिंग 2021 पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे यही टैब खुल जाएगा जो अभी मैं आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, कि जो टैब मैं आपको दिखा रहा था वही ये टैब खुल जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर एडमिशन, ठीक है, आप देखिएगा ये कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर DGSIPU यूज़र आईडी। अगर आपने पहले से ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, ये सिक्योरिटी पिन जो आपको दिया गया है ये डालना है, साइन इन करना है, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट नए हैं जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, पहले से साइन इन नहीं किया हुआ है, तो आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आप कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद में चेकबॉक्स दिए गए हैं आई एग्री, तो मैं आई एग्री करूँगा। कैंडिडेट का नाम दिखेंगे, ISD कोड यहाँ पर दिया हुआ है 91+91 जो हमारे यहाँ का है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, ठीक है, ये सारी प्रोसेस करेंगे, यूजर आईडी आप अपनी भरेंगे, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखिए आप, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी द सेम, है ना। इसके बाद सिक्योरिटी पिन आप करने के बाद में यहाँ से सबमिट करेंगे, जब यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ये टैब दिखेगा, दिखिएगा यहाँ पर आपको यूजर आईडी भरनी होगी, पासवर्ड भरना होगा, सिक्योरिटी पिन डालना होगा और साइन इन करना होगा। जब साइन इन करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस में जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और च्वाइस फिलिंग वगैरह जो आपको करनी है वो सारी प्रक्रिया करेंगे। साथ ही साथ जो फी आपको पे करनी होगी उसका लिंक भी यहाँ पर आपको दिया होगा, तो उसके थ्रू आप जो ई काउंसलिंग इनकी प्रोसेस है IPU की उसमें शामिल हो सकते हैं। अब सब रहा सवाल, कई स्टूडेंट्स का मेरे पास में कंटिन्यू इस बात के लिए फ़ोन आ रहा है या मैसेज कर रहे हैं बच्चे मुझे, सर किस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा IPU का। तो मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के 3 राउंड की जो काउंसलिंग का कट ऑफ हर कॉलेज का गया है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप लोग तो बहुत इत्मीनान से उसको देखिएगा, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, और जिस हिसाब से इनके कट ऑफ गए हैं उस हिसाब से आप अपना च्वाइस प्रेफरेंस कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको ये कॉलेज, देखिए लास्ट टाइम अलॉट हुए थे तो संभावना है कि उसी तरह का एक प्रेफरेंस रहे, है ना, लेकिन फिर भी इट डिपेंड्स करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है या नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, ठीक है ना, ये हर साल वैरी करता है। इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक अंदाज़ा होगा, इट नॉट कंपल्सन कि आपको उसी तरह से अलॉटमेंट हो, उतनी ही रैंक पर अलॉटमेंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं भी आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, अब यहाँ पर हर कॉलेज का यहाँ पर नाम है, मैं आपको इनके राउंड 1, राउंड 2 इन सारी जो काउंसलिंग की यहाँ पर PDF है उनका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से रीड आउट कर लेना, बट जस्ट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि किस रैंक पर कौन कौन सी चीज़ें गई हैं। देखिए बनारसीदास चंद्रीवाला एक इंस्टीट्यूट है जिसमें यहाँ पर देखिए कई सारी कैटेगरीज हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि OPNOHS का मतलब है OPNH, ठीक है, OPNOHS हर कैटेगरी का मतलब है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो कई सारी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी, ठीक है, और ये जो है कैटेगरी है दिल्ली जनरल के लिए है, ठीक है, OPNOHS, ठीक है, OPNOHS दिल्ली जनरल के लिए है, जिसमें इस कॉलेज के लिए जो रैंक गई है मिनिमम 1719 to 6094 तक गई है। इसके अलावा
ओपीएन ओओएस ये होगा ओपन आउटसाइडर, यानी कि दिल्ली से आउटसाइड, ठीक है। तो उनके लिए 1480 से 1889 तक गई है। अब आप सोचिएगा, जिन लोगों के पास में दिल्ली का कोटा है या जो दिल्ली रीजन में आते हैं, यानी जो 85% के दायरे में आते हैं, उनका इस कॉलेज के लिए 1719 से 6094, यानी 6094 तक गया है। तो मान लीजिएगा, अगर आपकी रैंक 1000 है तो ये आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ओपन आउटसाइडर जनरल की बात करेंगे, तो यहाँ पर 1480 से 1889, चूंकि यहाँ पर ये 15% के आसपास आता है रजिस्ट्रेशन, तो 1480 यानी 1480 से 1889, तो आप उसी ऑर्डर में इसका प्रेफरेंस चूज करेंगे जिस ऑर्डर में यहाँ पर आपको कॉलेज की रैंक्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह से भाई परमानेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो ओपन आउटसाइडर ओपन दिल्ली है, यानी कि जनरल वालों के लिए 903 से 4601 तक है। यहाँ पर एससी वालों के लिए, जो दिल्ली के लिए हैं, 5292 मिनिमम रैंक और 5292 मैक्सिमम रैंक है। ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 1479 से 1479, ठीक है। जबकि ओपन वालों के लिए ये आप देख सकते हैं 1052, 1052 से 1266 तक गया है। इसी तरह से आउटसाइडर एसटी वालों के लिए है 5615 से 5615, यानी 5615 तक गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रैंक आने पर भी आपको आईक्यू का कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट 1000 तक के ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स ही हैं जो आईक्यू वगैरह में एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पर लगभग 900-800 से स्टार्ट होती है और उसके बाद में 5 से 6 हज़ार रैंक तक चला जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद में देखिए, भारतीय विद्यापीठ में यहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ये चलते हैं। तो अब आप इनकी दोनों की रैंकिंग आप देख सकते हैं, 638 से 1786, 4622, 4908। इस तरह से ओपन के लिए देखिए 1023 है ना, तो सॉरी 751 से 928। फिर इसके बाद में एससी वालों के लिए 5059, ठीक है। इसी तरह से इनका सेकेंड शिफ्ट में जो चलता है उसके लिए भी यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से चाहे आप सीडेक के बारे में बात करें, तो देखिए सीडेक में भी इन्होंने कैटेगरी दी है, तो 1167 से 3237, 488, 488, ये सब इनकी जो रैंकिंग है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए अब 681 से 982 तक गया पहले उसमें, जो आउटसाइडर दिल्ली है जिसका 15% के अंतर्गत में आता है। तो सीडेक कॉलेज भी अच्छा कॉलेज माना जाता है, आप इसको अच्छे कॉलेज की प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। इसके बाद में गुरु नानक है जो कि सिख माइनॉरिटी वाला है, तो यहाँ पर ये सिख माइनॉरिटी ऑल इंडिया जनरल है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑल इंडिया जनरल है, एक ऑल इंडिया, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं। एक बार आपको मैं बताऊंगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ और ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर, ये इनका एप्लीकेशन दिया हुआ है, इनके फॉर्म दिए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में किस किस को, जो आप जिस कैटेगरी में हो आप उस कैटेगरी का यहाँ पर अलॉटमेंट समझिएगा। आप अगर ईडब्ल्यूएस जनरल हैं तो जनरल देखिएगा, अगर आप एससी आउटसाइडर में आते हैं तो वो देखिएगा, एससी आउटसाइडर में आते हो तो वो देखिएगा, या दिल्ली एससी में आते हो, दिल्ली एसटी में आते हो, तो उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर यूज किए गए, राइट। अच्छा, ये राउंड 1 की काउंसलिंग है, तो आप देख सकते हैं एक अंदाज़ा आपको मैं बता सकता हूँ। इसके बाद में आप देखिएगा, ये जगन इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 1236 से 56 से 1, 1206 से 6, 1483, हर कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ दिया है, आप उसको देख सकते हैं। जगन इंस्टीट्यूट 6 1 और 6 2 में चलता है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इसके बाद में यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबसे कम जो रैंक है वो इसी में आप देख पा रहे हैं, यहीं से अलॉट होती है, सबसे अच्छा कॉलेज यही है। तो मुझे लगता है आप नंबर 1 पर प्रेफर कर सकते हैं, यानी कि 1 नंबर पर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर आप 1 रख सकते हैं, क्लियर। तो ये देखिएगा, जैसे 261 जो है दिल्ली जनरल वालों के लिए 1154 तक जाता है, और ये देखिए 606 से 676 तक गया है आउटसाइडर ऑफ दिल्ली। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ये रैंक्स बताई भी है और आप इसमें खुद भी देख सकते हैं राउंड 1 और राउंड 2, ठीक है। तो ये तो था राउंड 1, अब मैं आपको राउंड 2
टू दिखाता हूँ, ठीक है। राउंड टू देखिएगा, राउंड टू में फिर देखिएगा, देखिए 1719 से 5591 ये ओपन दिल्ली वालों के लिए है। यहाँ पर ओपन जो है आउटसाइडर दिल्ली के लिए 1679 से 2681 ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग है। तो इसी तरह से देखिए वाई परमानेंट की 903 से 543 1558 से 2197 EWS यहाँ पर ये दिया हुआ है 4422 और 5292 SC के लिए दिया गया है। तो भारतीय विद्यापीठ का देख सकते हैं आप, तो हर रैंक का अपना अपना यहाँ पर दिया, मतलब आप समझिए सेकंड राउंड में थोड़ा और ज़्यादा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे थर्ड राउंड में आप देखिएगा मैक्सिममली कहाँ तक जा रहा है। देखिए अगर हम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड साइंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए EWS आउटसाइडर के लिए कितना जा रहा है, यहाँ पर एक और कोटा हो जाएगा EWS OHS दिल्ली EWS के लिए है ये, ठीक है, ये दिल्ली EWS के लिए है, सिर्फ इसी कॉलेज में मिलता है, ठीक है, दिल्ली EWS यहाँ पर होगा आपका, तो ये इसके लिए। और NODFHS ये है दिल्ली डिफेंस, यहाँ पर दिल्ली का डिफेंस कोटा भी चलता है, दिल्ली का डिफेंस कोटा चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2641 से 5790 और यहाँ पर EWS को 2003 से 3692 जिन लोगों के पास दिल्ली का EWS होगा, ठीक है, जो दिल्ली वाले होंगे। इस बात में ओपन OHS देखिए आप 506 से 1349 यानी कि थर्ड राउंड तक इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 1349 तक दिल्ली जनरल वालों के लिए जाता है। वहीं अगर हम बात करें आउटसाइडर दिल्ली के लिए, आउटसाइडर दिल्ली वालों के लिए, उनके लिए 693 मैक्सिमम रैंक पे जाता है, तो बहुत जल्दी ये कॉलेज पैक हो जाता है और अच्छे कॉलेज में ये माना जाता है आई थिंक। इसके बाद में EWS OS जो है वो आउटसाइड दिल्ली के लिए है, तो ये देखिए 764 ये इसका लास्ट होगा 764। इसके अलावा ST वालों के लिए देखिए 4888 यानी 4888 तक चला जाता है मैक्सिमम रैंक। इसके अलावा आप देख सकते हैं ओपन आउटसाइडर जो है ये मैंने आपको बताई दिया है, इस बार ST वालों के लिए यहाँ पर 5059 तक जाता है। तो इस तरीके से हर कॉलेज का अपना अपना अलग अलग कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तीनों राउंड तक की काउंसलिंग चलती है। आप तीनों राउंड में अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, लास्ट थर्ड राउंड तक आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं और थर्ड राउंड के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलता है आप उसको ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो रिफंड पॉलिसी भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया, आप रिफंड पॉलिसी की इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देख सकते हैं अगर आपको कोई कॉलेज पसंद नहीं आ रहा और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, ठीक है। बट आप जो ऑर्डर देख रहे हैं आपको ऑर्डर उसी ऑर्डर में फिलअप करना है जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है। मैंने भी लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए आप लोगों को ऑर्डर बताए थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग चाहें तो मेरे उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। और चाहें तो आप इसके थ्रू भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सी रैंक से क्या क्या आपको मतलब प्रेफरेंस चूज करना है, उसी ऑर्डर में आप देख सकते हैं। सबसे नंबर वन पर ये रख सकते हैं, इसके बाद में आप जैसे भाई परमानंद है या सॉरी भारतीय विद्यापीठ है इसको ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका ऑर्डर आप चूज कर सकते हैं, ST टेक कॉलेज है इसको थर्ड पर रख लें, इसको फोर्थ, ऐसे आप अपने हिसाब से ऑर्डर जो आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आपको चूज करना है। तो राउंड वन राउंड टू और राउंड थ्री के आप कट ऑफ देख लें, फिर आप सोच लें कि आपकी रैंक अगर इस बार मेंशन में इतनी आई है तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आई होप कि आपको इससे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, ठीक है। आप लोग अप्लाई करें तो काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हो और जो भी आपको अच्छा कॉलेज मिलता है आप उसको बिल्कुल लें और अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। आगे बढ़ें आप लोग, आगे कंपनी के लिए ट्राई अभी से करें, आप अभी से अपने MCA के एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कर दें, जैसे कि आपको जब आप क्लासेस अटेंड करें उससे पहले आप कई सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हों। तो ये कर लेने से आपको जो आप माइंडसेट में भी सपना रखते थे कि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छी कंपनी मिलेगी,
तो मुझे लगता है अगर आप यहाँ पर भी इतनी मेहनत कर लेंगे तो जो भी कंपनी आपके लिए आती है आप उसमें छूके ना, ठीक है। एंड मैं लास्ट टाइम फिर आपसे कहूँगा ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।